और स्ट्रीट फूड की भी बड़ा भूख लगाती है, बहुत चटपटे होती हैं। अच्छा बेसिकली जो इंडियन स्ट्रीट फूड है ना, उसके अंदर और पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड के अंदर दोनों में क्या अंतर है, वो ये अंतर है कि इंडियन के स्ट्रीट फूड ज्यादा चटपटे होते हैं और इसके अंदर बहुत ख्याल रखा जाता है, मिर्च मसाले का तवाजुन और ये सब कुछ एवरीथिंग, मतलब कि टेस्ट के अंदर बहुत कुछ किया जाता है, तो इस हिसाब से बहुत मजे के होते हैं। अरे पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड के अंदर क्या होता है, गोश्त उठा के डाल देते हैं, चल भाई समझ रहे, यहाँ तो उनकी जान छूट जाती है ना, क्योंकि गोश्त कर देगा काम जो करना है, तो गोश्त डाल दो यार खत्म करो, ये लो भाई अगर आपको मजा नहीं आ रहा साथ ग्रेवी के अंदर तो गोश्त खा लो यार, उसका मजा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड जरा इस तरह का होता है। स्ट्रीट फूड बेसिकली यहाँ पे कॉमनली मैं बताता हूँ, कराची में जो मैंने खाया है ना, तो वो बर्गर ही होता है बस, वो बर्गर स्ट्रीट फूड है हमारा। गोलगप्पे हो गए, तो मैंने गोलगप्पे भी होते, तो वो इतने उसके अंदर डिटेल्स नहीं होती, बस वो गोलगप्पा होता है, उसके अंदर सोडा पानी हो गया, हाँ भाई हमने स्ट्रीट फूड खा लिया। ज्यादा से ज्यादा गोला गंडा हो जाएगा, तो वो एक यहाँ पे इलाका है कराची में ढोरा जी करके, तो वो लाइन से गोले गंडे वाले बैठे हैं और तकरीबन थोड़ी बहुत वैरायटी के साथ गोला गंडा, बस वो कलर वलर डाल के बेच देते हैं, इतना कोई वो नहीं होता, अच्छा गोला गंडा होता है, खाते हैं मजा आता है। लेकिन जो मैंने इंडिया के अंदर देखी ना गार्निशिंग और ये सब कुछ, वो तो बहुत ही आला है और बहुत ही आउट क्लास है, तो वहां बहुत मेहनत की जाती है स्ट्रीट फूड के अंदर। इसी वजह से जब भी मैं स्ट्रीट फूड देखता हूँ तो भूख लगने लग जाती है मुझे बहुत टाइट किस्म की। चले आज भूख लगाते हैं, क्योंकि तो भी यहाँ पे टाइम जो है ना खाने का हो चुका है, थोड़ी सी भूख लगाएंगे उसके बाद फिर खाना खाएंगे। इंडियन स्ट्रीट फूड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पानी पूरी थाली है और ये बड़े मजे की थाली लग रही है, तीन चार डिशेस हैं उसमें। ओके फालूदा कुछ कुछ नाम पता है मुझे।
मिल्क टी। ओ ये दिल बना दिया, गाड़ी की बड़ी तैयारी कर। ये तो गुलाब जामुन है यार। नहीं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है ये। गुलाब जामुन तो मीठी होती है, वो जो पीछे वो तीखा लग रहा है। ये बिरयानी दम की बिरयानी है, बता दूं मैं दम की बिरयानी। ये भी खाई है मैंने, एक इंडियन रेस्टोरेंट हैदराबादी दम बिरयानी। एक और कोई चीज गोले घंटे में सोडा कुछ और है साथ, गोला घंटा ये भी करके डाल रहा था वो चोरी ना। आलू लग रहा है, बॉइल्ड आलू है। पूरियां हैं? नहीं 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 कुछ और है यार। पूरियां पूरियां दही बड़े
चार चार पानी सर मिक्स करेगा देख रहे, थोड़ा ये डाला थोड़ा ये डाला, ये नहीं पता ये क्या है लेकिन बहुत चटपटा लग रहा है, बट आई थिंक ये गोश्त के साथ ही कुछ है सालन यार, बहुत मजे का खाना है जो भी है, चाइनीज लग रहा है मुझे। बहुत सारा दही डाल दिया, क्या डिश है नहीं पता लेकिन ये भी बड़े टेस्ट है, ये चटनी है आलू बुखारी की चटनी यार, बड़े मजे मजे खाने हैं, दिल चाहता है खाने का। बाकी इन सारी इस तरह की गार्निश देखो, ये सब कुछ देखो, मुझे कई चीजों का टेस्ट पता था लेकिन कई चीजों का टेस्ट मुझे पता नहीं था, वो दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मुझे चाह रहा था कि बस ये जो है ना इस तरह की कोई चीज बन जाए, मैं देखूंगा कि मैं यूट्यूब पे जाके ना इस तरह की चीजें क्या क्या चीजें हैं कैसे कैसे बन सकती हैं, कोशिश करूंगा अपनी बेगम को बताऊंगा यार इस तरह कुछ बनाओ और कुछ खिलाओ, देखो इंडियन फूड के अंदर थोड़ा सा हम लोगों के तो जैसे कि पाकिस्तान में मुगलाई फूड वगैरह टाइप की चीजें चलती हैं जो जिसमें बहुत मोस्ट कॉमनली कौरमा बिरयानी जरदा खीर हो गई और फिर कस्टर्ड हो गया, यही चलता रहता है, और चिकन टिक्का मसाला भी होता है लेकिन वो जो है वो मुझे भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट से दुबई के अंदर ही पता चला था तो वो मैंने घर में बनवाया, तो वो आइटम्स भी बनते हैं लेकिन यहाँ पे जो कॉमनली आइटम है ना बस वो किसी भी चीज के साथ गोश्त मिला देते हैं और वो हो गया का, मतलब आलू पकड़ा उसके साथ गोश्त मिला दिया, लौकी पकड़ी उसके साथ गोश्त मिला दिया, समझ रहे हैं यहाँ पे बस यार ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन इस तरह का देख के तो मुझे नहीं पता कि इंडिया के घरों में क्या होगा, ये तो स्ट्रीट फूड था तो ये तो बिल्कुल एग्जैजरेटेड था, ज्यादा सारा चीजें डाली ज्यादा सारा खूबसूरत किया ज्यादा सारा टेस्ट, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता ना, दैट्स बात है इट्स बिजनेस, पर मुझे नहीं पता ये घर के अंदर के क्या खाने हैं और किस तरह बनते हैं और क्या अक्सर ऐसे बनते हैं या सिर्फ हमारे घर में ही ऐसे बन रहे हैं, पाकिस्तानियों में ही ऐसे बन रहे हैं कि बस डाल देते हैं खाना, दाल है तो बस वो दाल होती है दाल, इस तरह नहीं जैसे थाली वाली है वो पूरे तरीकेकार होता है ना, तो खैर है कमेंट में बताइएगा कि क्या है, बाकी आप लोगों की घर में भी इस तरह ही के तरह बनते हैं या थोड़ा सा या बहुत ज्यादा सादा बनते हैं, थोड़ा सा सादा तो होगा लेकिन क्या बाकी बहुत ज्यादा सादा बनते हैं, जैसे हमारी दाल रख दी और रोटी रख दी, दाल दाल रोटी होगी बस प्याज ज्यादा होगी खा लो बस ये तुम्हारा खाना हो गया, सालन हो गया तो बस वो कौरमा हो गया और एक दो सालन और इस तरह के निकले हैं बस वो हो गया, बस ये चल रहा होता है यहाँ पे, मनली पाया ये वो थोड़ा चल रहा होता है, हलीम बन गया, ये कहानी है यहाँ पे। चलें गाइस बहुत मजे की वीडियो थी, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल।